नमस्कार, मैं आयुषी। इस वक्त के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच एनकाउंटर में दो आतंकी घिरे, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में दूसरा आतंकी हमला हुआ, जिसमें दोनों बार आतंकियों ने फोर्स के ठिकाने को निशाना बनाया। सोमवार को आतंकियों ने श्रीनगर के करण नगर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। फोर्स ने इसे नाकाम कर दिया। वहीं आपको बता दें कि आतंकियों ने AK-47 राइफल समेत कई हथियारों के साथ सीआरपीएफ कैंप में घुसने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ऐलान किया कि बीमारी अब चलने फिरने नहीं देती, आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। झांसी में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि वे अब आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी और न ही मध्य प्रदेश के सीएम पद की रेस में रहेंगी। अपने संसदीय क्षेत्र झांसी के दौरे पर आई उमा भारती ने कहा कि बीमारियों की वजह से वे यह फैसला कर रही हैं। लंदन सिटी एयरपोर्ट में मिला दूसरे विश्व युद्ध का बम, जिसने एक बड़े हड़कंप का रूप ले लिया। लंदन सिटी एयरपोर्ट में बम मिलने से हड़कंप मच गया है। इस बम को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का बताया जा रहा है। बम मिलने के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को रोक दिया गया है और एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ये बम टेम्स नदी के जॉर्ज वी डॉक के पास मिला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में पब और होटल वाले से वैलेंटाइन डे के मौके पर किसी भी प्रकार के जश्न को लेकर चेताया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी से पहले बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स जैसे पॉश इलाके में दौरा किया। इस दौरान वहां के सभी पब और होटलों में गए और उन्हें बताया कि वैलेंटाइन डे मनाना भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इस दौरान उन्होंने पब और होटल वालों से वैलेंटाइन डे के मौके पर किसी भी प्रकार के विशेष कार्यक्रम को आयोजित न करने की हिदायत दे डाली। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह एक विदेशी परंपरा है और भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। यही नहीं, इस हिंदू राइट विंग ने वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों को भी चेतावनी दे दी है। साथ ही उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट करने वाले प्रेमी जोड़ों को भी अपनी तैयारी को निरस्त करने के लिए कहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो सैनिक तैयार करने में सेना 6-7 महीने लगाती है, उन्हें संघ 3 दिन में तैयार कर सकता है, यह हमारी क्षमता है। जम्मू कश्मीर के सुंजो आर्मी कैंप पर हमले में जवान शहीद हो गए। फोर्स ने 4 आतंकियों को मार गिराया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि आरएसएस प्रमुख ने हर भारतीय का अपमान किया है। यह हर उस शख्स का अपमान है जो देश के लिए जान देता है। ये देश के ध्वज का अपमान है, क्योंकि हर सैनिक इस ध्वज को सैल्यूट करता है। मोहन भागवत, आपको हमारे शहीदों, हमारे आर्मी का अपमान करते हुए शर्माना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने ट्वीट किया, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो आपका संगठन छिपा हुआ था। सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं।